नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंह। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने के बाद जो राजनीतिक बवाल था वो काफ़ी तेज हो गया था। कांग्रेस ने पहले से बयानबाजी जो थी वो शुरू कर दी थी, उसके बाद फिर वो गए तो कांग्रेस ने डिफेंस भी किया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी बात बाहर निकल के आई इस पूरे मामले में, वो आई असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी जी, हाँ वही ओवैसी जो कि अपने विवादित बोलों के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी जी के वहां जाने के बाद आरएसएस के कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि जो व्यक्ति 50 साल तक कांग्रेस में रहता है, कांग्रेस उसके बाद राष्ट्रपति रहता है देश का, और फिर अगर वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाता है तो ऐसी पार्टी पे आप कैसे विश्वास करेंगे। आप खुद ही सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कांग्रेस के ऊपर कब तक टिका लेंगे आप, खत्म हो गए ये लोग, अब तो आप आंखें खोलो कि जो शख्स कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारा, जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे, जो हिंदुस्तान का समय जमूरिया बना, वो आज आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर अपना माथा टेकता है, जिसके बावजूद भी आप उम्मीद लगाएंगे। तो इस पूरे मामले पे सीधा सीधा कांग्रेस पे हमला बोले हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि कैसे विश्वास करेंगे इस पार्टी पे, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ से कांग्रेस को घेरते हुए नज़र आ रहे थे इस पूरे प्रकरण पे ओवैसी। और उसके बाद उन्होंने अपने जनसभा में जिस तरीके से संबोधन किया कि इस ऐसी पार्टी पर आप कैसे विश्वास करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से। ओवैसी, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको समय दर समय रूबरू कराते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।